तो देखते हैं, बड़े अरसे बाद आई है सैयद साहब की वीडियो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। भाई साहब, पाकिस्तान के ऐसा बंदा जो मुनफरिद सोच रखते हैं दूसरी पाकिस्तानियों से, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉर्नर करते हैं, 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तानी सियासतदान जब भी मुश्किल में घिरा होता है और उसके मुखालिफीन उस पर हावी होते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही होती है, उसकी सियासत कमज़ोर पड़ रही होती है, तो इस मुश्किल वक्त में दो ही कार्ड्स उसको याद आते हैं। पहला कार्ड जो है वो तो आपने अच्छे तरीके से 75 साल से देख लिया इस मुल्क में, उस कार्ड का नाम है इस्लामिक टच कार्ड। ये वो कार्ड है जो एक पटारी से लीडर तब निकालता है जब वो ये चाहता है कि अवाम के अंदर मेरी जो कशिश है उसका इजाफा हो जाए, ज़रा मैं ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट बन के और पब्लिक अपील बढ़ा के अपनी सामने आऊँ। तो फिर वो आपकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अपील करता है, आपके मजहबी जज्बात को उभारता है। और ये जो अपील टू रिलीजियस सेंटिमेंटालिटी है, ये इतनी कारगर और कामयाब साबित होती है कि जब भी किसी ने इस मुल्क में इस अपील का इस्तेमाल किया है तो फिर पांचों उंगलियां घी में ही पाई गई हैं बाद में उसकी। उसकी वजह ये है कि अवाम यहाँ पे छोटे छोटे जज्बाती नारों और छोटे छोटे जज्बाती बयानात को सुन के वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है, मंतिक और दलील का इस्तेमाल करना जो है वो उसको गुनाह समझती है। एक और कार्ड जो हमेशा से सियासी लीडरान पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं वो है पिदरशाही का कार्ड, पेट्रियार्कल कार्ड, मेल डोमिनेंस का कार्ड। और ये कार्ड के औरत जो है उसमें कुछ ना कुछ मसला हमेशा रहता है, अच्छी औरत और बुरी औरत की जो डाइकोटमी है ना, इसका इस्तेमाल करना भी बड़ा कारगर साबित होता है। उसकी वजह यह है कि मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी है, औरत दुश्मन मुआशरा है, अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए है नहीं, जेंडर डिस्पैरिटी में दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है, ख़वातीन की सिक्योरिटी ना होने के लिए दुनिया के 10 खतरनाक तरीन ममालिक में आता है। इसके अलावा ऑनर किलिंग्स, गैरत के नाम पर ख़वातीन के कत्ल के रैंकिंग्स की अगर बात की जाए टॉप 3 में आता है। तो ये सारे फैक्ट्स देखते हुए आपको समझ आती है, अगर आप रिसर्च करें, कि यार ठीक है, ये कार्ड भी कारगर साबित हो सकता है, मेरी दफन हुई हुई सियासत को दोबारा ज़िंदा कर सकता है। क्योंकि अगर मैंने इस अवाम का ये जो समुंदर है ये अपने पीछे लगाना है, और अगर हमने इस अवाम को परसुएड करना है, इनकी मोहब्बत हासिल करनी है, तो वो बात करो जो इनके डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं, सबसे गहरे जो इनके इमोशन है ना, उसको अपील करो, ताकि उसके बाद वो ये भूल जाएं कि आप कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपकी सियासी तारीख क्या है, आप में एबिलिटी कितनी है, आप में मेरिट कितना है, और इसके अलावा आप आवाम को लीड करने की हैसियत रखते भी हैं या नहीं रखते, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, आपका आईक्यू क्या है, वो सब भूल जाएं। वो सिर्फ ये याद रखें कि इसने मेरे दिल की बात कर दी है, इसलिए आई लव हिम, आई एम गोइंग टू वोट फॉर हिम। तो यही जो बाजार गर्म 75 साल से हुआ हुआ है, इस बाजार में एक और हिस्सा डाला है जिस शख्सियत ने, तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। उनका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और कहा क्या है फूल झड़ते हुए आप सुन लें, इसके बाद इस पे तबसरा फरमाएंगे, सुनिए जरा। सारे जलसे होते हैं, खवातीन भी होती है, लेकिन पुरमन बैठती है, खवातीन आती है, जलसा सोचती है और पुरमन बैठती है, और कोई वहां पे ये धमाल या कोई अपना नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है भाई, नहीं कल्चर है पाकिस्तान का। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो कि 3 बार के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने अब से कुछ अरसा पहले क्वेटा का दौरा किया और वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनके बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पे मरियम नवाज साहिबा, जो बजाते ख़ुद एक खातून हैं जो कि उनकी सियासी जानशीन भी हैं, जिनको नवाज शरीफ साहब की अपनी सपोर्ट हासिल है, उनके बगल में बैठ कर ये डिफ़ाइन कर दिया कि अच्छी औरत और बुरी औरत कौन सी होती है। और आवाम से ख़िताब करते हुए उन्होंने फरमाया कि हमारे जलसे होते हैं, ख़वातीन पुरम बैठती हैं, यानी कि हमारे जलसों में ख़वातीन बड़े आराम से कंपोज्ड तरीके से नॉन एक्सप्रेसिव हो के नशिस्त पर अपनी बैठती हैं, ताकि लगे ये कि रोबोट बैठे हुए हैं। ठीक है, पहली बात ये। और आगे जनाब ने फरमाया कि कोई धमाल या नाच गाना नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हमारे जलसे में जो ख़वातीन आती हैं ना, वो अच्छी औरतें हैं। उसकी वजह है कि वो तो डांस नहीं करती, दे डोंट मूव देयर हैंड्स, दे डोंट पंच द एयर, इसके अलावा वो खुशी का इजहार करने के लिए भी
फिजिकल मूवमेंट्स का सहारा नहीं लेती, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा तो किरदार मशकूक हो जाएगा। उन्हें इस बात का इल्म है कि अगर हमने ज़रा सी मूवमेंट दिखा दी, किसी कैमरे में कैप्चर हो गई, तो मेरी तो फिर कल को शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक पेदरशाही गले सड़े मुआशरे की एक अकाई हूँ, सिर्फ एक यूनिट हूँ, और मेरी कोई ना ज़ाती शनाख्त है, ना कोई चॉइस है, ना मेरा कोई सेल्फ एक्सप्रेशन है। मैं एक रोबोट हूँ, मैं जहाँ भी बैठूँगी मैं खामोश बैठूँगी, मैं बिल्कुल चुप बैठूँगी, मेरी नज़रें नीचे होंगी, शक्ल से मेरा खौफ वाजे हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा कि मैं डिफीटेड पर्सनैलिटी हूँ, और नज़र आ रहा होगा मेरी कोई राय नहीं है, मैं भेड़ बकरी हूँ, मुझे जहाँ मर्जी ले जाओ। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बताया, और एंड पे ये कहा कि ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। यानी कि उन्होंने इशारतन फरमाया कि पीटीआई के जलसों में जो खवातीन आकर जो कुछ करती हैं, ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं था। हमारा कल्चर ये है कि खातून डर के बैठ जाए आके, ना वो कोई बात कर सके, ना हिल सके, ना कोई मूवमेंट करे, और सिर्फ चुप करके रोबोट बन के सुने और हाँ में हाँ मिलाए। इसके अलावा कोई कल्चर नहीं है। और ये अगर आप इसको स्लिप ऑफ द टंग कहें ना, तो वी कुड हैव गिवन हिम सम मार्जिन, लेकिन जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में लैंड किए, हमारा मुकद्दर फिर से जागा, अजीम लीडर वापस आ गया है। तो मीनार पाकिस्तान के जलसे में भी उन्होंने ख्वातीन की तरफ इशारा करके ये कहा था, रिसेंटली लास्ट मंथ की बात है, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कोई नाच गाना नहीं हो रहा। तो ये रिपीट किया है, इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पेट्रियार्कल मेंटेलिटी, यू कांट से दिस इज अ फ्रॉडन स्लिप और स्लिप ऑफ अ टंग। और आयरॉनिकल चीज़ ये है कि बिल्कुल साथ मरियम नवाज साहिबा नशिस्त रखती हैं, जो कि कल को पाकिस्तान की सियासत को नून लीग की तरफ से लीड करने जा रही हैं, और ये उस पार्टी के सरबरा कह रहे हैं जिनकी गैर मौजूदगी में मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली से ही एक खातून कुलसूम नवाज ने ब्रिलियंटली लीड किया था इस पार्टी को। वही आकर ये बता रहे हैं कि अच्छी और बुरी औरत कौन सी होती है, सब चुप करके देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो जब भी जिला वतनी काट के वापस आते हैं ना, वो कोई नई छलांग मार देते हैं। 90s में पहले उन्हें अमीरुल मोमिनीन बनना था, और वो शदीद फार राइट की पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो ब्लास्फीमी के फतवे जारी करवाने को सपोर्ट कर रहे थे, ज़ियाउल-हक़ की कब्र पे खड़े होके खिताब फरमा कर कह रहे थे कि अल्लाह इनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और बेनज़ीर तो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाती है। शेख रशीद के साथ मिलके पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आवाज़ें भी कसने का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि नहीं हो सका। वो सारी शदीद फार राइट की इस्लामिक टच वाला कार्ड खेल के पॉलिटिक्स करने के बाद जब जिला वतन हुए मुशर्रफ साहब के हाथों, तो वापस आए तो फिर एक नए नवाज शरीफ साहब निकले। वो वाले नवाज शरीफ फिर माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करने लगे। वो वाले नवाज शरीफ दोबारा से ये बात करने लगे कि हमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि वी वॉन्ट अ लिबरल पाकिस्तान। 2013 की स्टेटमेंट है, कोट कर रहा हूँ। जमात इस्लामी ने एहतजाजन रैली निकाल दी, मैंने सपोर्ट किया कि आप क्यों एक ऐसी स्टेटमेंट को एंटेगनाइज कर रहे हैं जो कि जदीदियत की तरफ ले जाना चाहती है हमें। आई लॉडेड दैट स्टेटमेंट। इसके अलावा उन्होंने जो है वो हिंदुस्तान से दोस्ती के बारे में जो खिताबात फरमाए, दिवाली के ऊपर ट्वीट्स किए, अप्रिशिएट किया लोगों ने उनको, सबने कहा कि यार ये तो वो IJI वाले नवाज शरीफ हैं ही नहीं, ये तो वो है ही नहीं जो जनरल जिलानी साहब के अंडर पाकिस्तान में, आपको पता है, सियासत में इंट्रोड्यूस हुए थे ज़ियाउल-हक़ साहब के अंडर। तो हमने ये माना उस वक्त कि ठीक है, ज़ियाउल-हक़ साहब का जो एक फीवर है वो उतर चुका है, नाउ दिस इज़ अ मैन हु हैज़ रिज़न अन्यू, दोबारा से एक नई मेंटेलिटी शायद पैदा कर ली है ज़ियाउल-हक़ साहब को छोड़ के। लेकिन अब क्या करें, ये प्लेग और ये जो सारा बुखार है, इसको उतरना, इसकी पैनाडॉल अभी तक ईजाद नहीं हुई। तो अगर आप एनालिसिस करें तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी थी किसी की भी ये सोचना कि ज़िया साहब का बुखार उतर गया है। उसकी वजह है कि इस पार्टी से कम अज़ कम ये राइट विंग का ठप्पा नहीं निकल सकता। आपने सारी मारें खा के देख ली इस्लामिक टच करने की, आपकी 2013 से 18 की गवर्नमेंट के दौरान आपके ऊपर फतवे लगे, आपको ये कहा गया कि आप आइन से जो इस्लामी शिकें हैं वो निकालने के लिए आए हैं, आपके ऊपर ब्लास्फीमी के इल्ज़ाम लगे, आपके खिलाफ़ मजहबी जमातों ने धरने दिए, आपको एक मजहबी इज्तमा के लोगों में इतना बुरी तरह से ट्रीट किया कि एक जूता भी फेंका आपकी तरफ, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप चूंकि रिलीजन के खिलाफ हैं, उनका ये कहना था। हमने उस सब को कंडेम किया।
आप इस सारी सियासत का अंजाम देखने के बावजूद इस बार वापस आके दोबारा वहीं खड़े हो गए। आप आकर ये ऐसे मुआशरे को ये बता रहे हैं कि अच्छी बुरी औरत कौन सी होती है, जहां पे आप अभी तक ऑनर किलिंग्स को रोक नहीं पाए, और आप फिर बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कल्चर की। तो मैं ज़रा आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान का कल्चर, आप चूंकि पंजाब से हैं तो पंजाब से ही आगाज़ कर लेते हैं कि पाकिस्तान का कल्चर था क्या, और आप उसको किस तरह बना के पेश कर रहे हैं कि हमारे कल्चर में तो ख़वातीन का एक्सप्रेशन ही नहीं था। ये गिद्दा और भंगड़ा डालने की जो ट्रेडिशन हज़ारों साल पुरानी है पाकिस्तान के अंदर, और जो नज़र आती थी शुरू में आपको, हिंदुस्तान से आगाज़ हुआ और यहाँ तक पहुँची, वो कहीं और ईरान में एग्जिस्ट कर रही थी या कोई सेंट्रल एशियन स्टेट में एग्जिस्ट करता है भंगड़ा और गिद्दा डालना, जो कि इस खित्ते की खवातीन ने हज़ारों साल से जब भी हार्वेस्ट हुआ करता था, यानी कि गंदम की या फसल की कटाई के मौके पे खुशी मनाने के फेस्टिवल्स हुआ करते थे, रंगीन कपड़ों में मलबूस खवातीन इंजॉय करने के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ इन फेस्टिवल्स का हिस्सा बनती थीं और डांस भी करती थीं। तो क्या ये कल्चर हमारा नहीं था, ये इम्पोर्ट किया था किसी से हमने? नहीं पता आपको, उसकी वजह यह है कि ज़ाहरी बात है आप तो ज़िया साहब का नैरेटिव टो करेंगे ना। इसके बाद अगर हम बात करें पश्तो वतन की, तो ये जो वतन डांस है ये कितने हज़ार साल से हो रहा है पश्तून बेल्ट के अंदर, आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वहाँ की ख़वातीन भी इसमें हिस्सा लेती हैं, तो क्या ये भी उन्हीं कैटेगरी में आ जाएंगी, अच्छी और बुरी औरत की कैटेगरी में? और आप इनको ये बताएंगे कि तुम्हारा कल्चर फजूल है, मैं बताऊँगा कल्चर क्या होता है? हिम्मत कीजिए, इनको भी बताइए। इसके बाद पंजाब में लुड्डी डालने का कल्चर जो आज तक शादियों पे होता है, आज तक फेस्टिवल्स पे होता है, वो कहाँ से आया था? हमारा कल्चर नहीं था ये। लेकिन ये कौन याद दिलाएगा आपको? उसकी वजह है कि पार्टी में गुस्ताखी करने वाले को तो टिकट नहीं मिलती, मोनार्की है ना इसलिए। इसके बाद अगर बात करें जी बलोच तहजीब की, तो बलोची वतन भी होता है, वहाँ पर भी एक ट्राइबल और फोक डांस करने की, वॉरियर डांस करने की ट्रेडिशन हज़ारों साल पुरानी है। उन्हें भी जाके ये बता दें, आप तो कोयटा में बैठ के ये बात कर रहे थे, उन्हें भी ये बताएं कि आपकी जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं उनमें से कुछ चीज़ें जो है ना, ये अपनी औरतों को ना करने दीजिएगा, क्योंकि वो बुरी औरत बन जाएंगी, बता के आते उनको प्लीज़। इसके बाद अगर बात की जाए सराइकी तहजीब की, तो सराइकी झूमर डालने की ट्रेडिशन ये भी बड़े लंबे अरसे से इस खित्ते के अंदर चल रही है। आज भी जब पाकिस्तान में कोई फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं तो आप सराइकी झूमर की परफॉर्मेंसेस करवाते हैं वहाँ पे, ख़वातीन भी उसका हिस्सा होती हैं। बताएं उनको जाके कि आप तो अच्छी ख़वातीन रही ही नहीं हैं, आप तो डांस कर रही हैं, आपका तो किरदार चला गया, आपसे तो कोई शादी नहीं करेगा। इसके साथ साथ ये कि सिंध की अगर हम बात करें तो वो भी हज़ारों साल पुरानी तहजीब है, और वहाँ भगत डांस होता है, फोक म्यूज़िक होता है, और वहाँ पर आपको जो कल्चरल फेस्टिवल्स की एक तारीख मिलेगी वो इस लाहौर की जो सियासत आप जब से कर रहे हैं ना 70s 80s से कर रहे होंगे उससे बहुत पुरानी है। उन्हें भी जाकर ये बता दें कि आपका भी कल्चर जो है वो ख़वातीन को उनकी किरदार कुशी पर मबनी है, क्योंकि इसमें डांस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसके बाद अगर हम गिलगित की बात कर लें, वहाँ भी आपको पता है कि फोक और कल्चरल डांसेस होते हैं, ख़वातीन भी शिरकत करती हैं, कैलाशी कम्युनिटी की ख़वातीन भी इन फोक डांसेस का हिस्सा बनती हैं, कल्चरल लिबास ज़ेब तन करके पहन के डांस करती हैं। सबको आप ये बता दें कि आप सब जो हैं वो अच्छी ख़वातीन नहीं हैं। अच्छी खातून कौन है, इसका सर्टिफिकेट एक मर्द आपको पेश करेगा, उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। रिलीजियस एलिमेंट की भी आपने बीच में बात कर दी, आपने श्राइन कल्चर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने कहा कि ये धमाल, लफ्ज आपने धमाल का यूज किया, आपने कहा कि धमाल नहीं डलते वहां पे, तो श्राइन कल्चर भी सारा तबाह है, उस पर भी आपने फतवा लगा दिया कि ये भी हमारा कल्चर नहीं है। और इस खित्ते की ट्रेडिशन में जो आप लोग बड़ा ओन करते हैं इस बात को कि यहाँ पे जो सूफी पोइट्स थे उनकी ट्रेडिशन, या फिर पंजाब के अंदर उस वक्त के हिंदुस्तान के अंदर आके बाहर से इस तरह के लोग जो कि सेंट्स थे उन्होंने इस्लाम को फैलाया, तो उनकी भी कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में पहले पढ़ लेते ना। रूमी साहब के कोट्स तो बड़े आपको अच्छे लगते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे आप सब अपनी डिस्प्ले पिक्चर्स पर भी कभी कभी लगा लेते हैं कैप्शन के अंदर, तो उन्हीं की जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस थी जिसको आज भी टर्क्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी पेंटिंग्स और कैरिकेचर्स भी करते हैं, वो भी इसी चीज़ पे मबनी थी जिसको आप बैन कर रहे हैं आके। तो आप सीधी तरह आकर ये कह दें, आप आकर कह दें कि पाकिस्तान का कल्चर जो है ना वो ये है, इस टाइम जो शक्ल देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर आप, ये कल्चर है पाकिस्तान का।
पता नहीं आप क्या बताना चाह रहे हैं। आपका एजेंडा अभी तक वही है कि लोकल एथनिक कल्चर्स को डिस्ट्रॉय करके लोगों को ये बताओ कि हमारा ये सारा था ही नहीं हिस्टोरिकल तारीख, ये रूट्स हमारी हैं ही नहीं, जड़ों से उखाड़ दें इसको, भूल जाएं, डिलीट कर दें और इसको बिल्कुल एक्सटर्मिनेट कर दें अपने माइंड से कि आपकी कोई तारीख भी थी। आपकी तारीख जो है वो सलाफिज़म है, जो ज़ियाउल हक़ साहब ने 80 की दहाई में कोल्ड वॉर के डॉलर खाने के लिए इम्पोर्ट की थी सऊदी अरब से, और बाद में MBS ने भी मान लिया कि हाँ हमने फॉरेन पॉलिसी गोल किया था, ख़त्म हो गया हमारा। वो अपनी रूट्स पे अब जाने लगे हैं और आप यहाँ बैठ के तमाशा देख रहे हैं सिर्फ, और अब भी ये बता रहे हैं कि आपके सारे एथनिक कल्चर थे ही नहीं। अच्छी औरत बुरी औरत कौन सी होती है? तो असल में आप को जो है वो आपके अंदर आर्टिस्टिक नर्व नहीं है ना, आपको पता नहीं चलता कि क्या वजह है कि लोग डांस क्यों करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस का हिस्सा क्यों बनते हैं। वो नीचे ने कहा था ना कि दोज हु वर सीन डांसिंग वर थॉट टू बी इनसेन बाय दोज हु कुड नॉट हेयर द म्यूजिक। डांस करने वाले किसी भी फर्द को देख के वो इंसान ये कहता है कि ये बेवकूफ़ है जो कि म्यूजिक सुनना नहीं जानता। आप पे ये मिसाल बिल्कुल सादिक आती है। और मैं तो ये कहूँगा कि मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए था कि वो इंटरवीन करके कहती कि ये बात ठीक नहीं है, ये मिसोजिनी आप PMLN के प्लेटफॉर्म से मत फैलाइए, लेकिन फैल गई है। क्योंकि ये वो जहर कातिल है जिसका खुमियाजा भुगतते रहे हैं, पहले भी आगे भी भुगतेंगे। क्या ऑप्शन है आपके पास? यही सियासत इमरान खान साहब ने की। आप सब ने कहा कि तुम उसके खिलाफ बोलते हो, तुम उसकी शख्सियत से नफरत करते हो, आज वही बात जनाब ने फरमाई है तो मैं आ गया हूँ आपके सामने। क्योंकि हमने तो सर्टन नैरेटिव्स को, प्रोपगेशन जो उसकी है ना, उसके डेंजर्स को आप तक पहुंचाना होता है कि इसका इसका खतरा क्या है, चाहे वो किसी के भी मुंह से निकले। तो इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम अपने दौर में टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि कपड़ों की वजह से खवातीन का रेप होता है, और पाकिस्तान के अगले अन अनाउंस्ड वजीर आजम साहब बैठ के ये बता रहे हैं कि अच्छी बुरी औरत कौन सी होती है। किसको चूज करें, किसको वोट दें जाके? मैं तो कहता हूं बॉयकॉट करें सबको। आई से दैट ही शुड अपोलोजाइज टू द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, स्पेसिफिकली टू द वुमेन ऑफ PTI। उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती तो पाकिस्तान की तमाम ख्वातीन को अगले इलेक्शन में इस पार्टी का बॉयकॉट करना चाहिए। थैंक यू। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया भाई साहब। सैयद मुजम्मिल जो ऐसे बंदे हैं जो मुद्दों पे बात करते हैं, बात भी तो इस तरह ही करनी चाहिए। ये तो नहीं भी इमरान खान की पार्टी के तो नवाज शरीफ को बोलो, नवाज शरीफ के एंकर है तो जरदारी को बोलो। वो हमेशा यही समझता था कि ये इमरान खान के पीछे, तो अक्सर ही बोलता था ना। आज वो सामने खुद कहा है कि मुझे अक्सर बोला जाता है कि आप इमरान खान के खिलाफ हो, मैं इसलिए आज नवाज शरीफ की भी बात कर रहा हूँ। तो अच्छी बात लगी ना सर की, और ऊपर से पता क्या किया, हां की पता क्या, बायकॉट करो ऐसे लोगों का। नहीं, अगर वो माफी नहीं मांगता तो जो लफ्ज बोले ना औरत के बारे में, असल में वो नवाज शरीफ का जो मन में था वो यही कहना चाहता था कि भाई हमारे जलसों में डांस वांस नहीं होता। बिल्कुल, 14 अगस्त को जो हुआ था वो डांस के साथ बैठती है, और बाकी इमरान खान ही है वो लड़कियों के डांस करवाता है, जलसे करवाता है। वो जिसने इमरान खान को गोली मारी थी ना, वो भी यही बोल रहा था कि ये अदान हो रही होती है, ये इधर डेक चलाता है, लड़कियों को डांस करवाता है, ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए मैंने उसको गोली मारी। तो उस बंदे से ये पूछो, जब अजान होती कभी आपने जबान मुंह में डाली है? आप गाने बजाने डांस ये घर में देख रहे होती हो, कभी अजान हुई कभी किसी ने जुबान झुकी है आवाज मारी? यार नवाज शरीफ की अपनी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक PM मोदी को साथ में कंप्लेन कर रहे थे कि अजान हो रही थी और नवाज शरीफ को दो बार बोला गया सर अजान हो रही है, कहता मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे पता है, तुझे ज्यादा पता है, सुनाई दे दे, चुप कर, चुप कर, उसको चुप करवा दिया। तो दूसरी मोदी की वीडियो देख ले, वो तकरीर कर रहा था, खुद ही अजान हुई तो बोल के कहा था कि 5 मिनट वक्त, बोला ही नहीं कोई भी, बोला कर ली वो, मतलब उसने बोला कि अजान हो रही है, वो अदम में बैठ गया। वो इसलिए अपने बंदे की बात तो फर्क देख लो, फिर उस बंदे ने इतना एहतराम किया अजान का। बाकी कल्चर की बात की साहब, सर भाई हमारा जो कल्चर है ना कोई अरब से थोड़ी है, ये हमारा खित्ते का अपना कल्चर है, बिसाखी लोग मनाते थे, सिंधी पंजाबी चित्राली बंगाल जितने हैं सर, देख सारा अपना।
कल्चर है। हमारे ना यूनिवर्सिटी के ना एथलेटिक के मुकाबले हुए थे जिसमें ना भाई ओपनिंग सेरेमनी और एंडिंग सेरेमनी होती बड़ी धड़ल्ले की होती है। उसमें भाई साहब कल्चर के जो डांस होते हैं मतलब सिंध के हैं जो उनका भी कल्चर डांस दिखाया गया। आप भी होते हैं और अपना कल्चर दिखाया पंजाबियों का भी सिंध का इस तरह मुख्तलिफ जितने भी कल्चर थे सबका डांस दिखाया गया। बच्चियां स्कूल में भंगड़े डालती डांस करती हैं सारा कुछ करती हैं। हमने वो हमने इतना एंजॉय किया बड़ा मजा आया भाई। एक तो उनकी ड्रेसिंग जो कल्चर जो होता है ड्रेसिंग जो होती वो पहनी हुई थी वो बड़ा ही मजेदार काम था भाई। और भाई हम विसाखी जब होती थी भाई पंजाब में तो वैसे लोग जो है वो खुशियां मनाते हैं। आज भी अगर हमारे घरों में शादियां होती हैं इस्लाम के अंदर भी मैं एक हदीस सुन रहा था उसके अंदर भी बैठा जब खुशी का मौका होता है ना आप नाच गाना डांस ये सब खुशी का इजहार कर सकते हैं। यार एक वक्त होता है हर रोज तो नहीं करना मैं इस चीज को भी मानता हूँ ये होना भी चाहिए खुशी का इजहार खुशी में भाई साहब हर बंदा आपके साथ। अभी ये जो वीडियो बलोचिस्तान के अंदर मियां साहब आते गए बलोचिस्तान मियां शहबाज शरीफ जब पीडीएम के सरबराह बने ना वो भी गए थे उनका काम ये डैम बनाने लगे हैं वो करने लगे ये करने लगे ये ढेला नहीं दिया वो ही पीडीएम के बंदे जिनमें अख्तर मिंगल साहब आ जाते हैं वहाँ पार्टी आ जाती है सहरा बानो आ जाती है उससे अक्सर तकरीर आपने सुनी होगी। हाँ। वो आ जाती है उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को हमको कम से कम 3 बार वजीरान रहने वाले हम आपकी बातें सुन सुन के थक चुके हैं आपने आज तक दोनों भाइयों ने कभी वादा पूरा नहीं किया अब हमारे भी कान खुल गए हम भी समझदार हो गए अब तुम्हें बलोचिस्तान से सीट लेना मुश्किल होगी अब भी बलोचिस्तान खुद अपने वादे तो सिर्फ इमरान खान भाई बलोचिस्तान में काम किए कोई भी नहीं किया नहीं वादे तो इमरान खान पूरे करता है नहीं नवाज शरीफ जितनी बार जनाबा होकर वापस आया 3 साल हुकूमत की उसमें उसके बाद उसने मुख्तलिफ मुद्दे के कारण बात किया था इमरान खान की बात नहीं वो तो 3 महीने से जेल में बैठा हुआ है। मुद्दे की बात यह है भाई के पाकिस्तान में देखा जाए तो भाई बहुत सारी है अच्छा जो विक्टिम कार्ड खेला है इमरान खान ने ये मजहबी टच ये इससे पहले नवाज शरीफ भी खेल चुका है लेकिन वो उसमें कामयाब वो आर्मी का लाया भाई बस खेले गई बलोचिस्तान में थे तो जंग के अंदर एक एम एल ए ने तकरीर की शायद आपकी नजरों से गुजरी हो वो वीडियो तो वो एम एल ए थे मोहम्मद अफजल बरवाना साहब मोहम्मद अफजल बरवाना साहब जंग से पहले अलग रखे एम एल ए उन्होंने तकरीर करने गए अपने किसी जलसे में वो कितने लोग थे उन्होंने कहा कि जो भी तकरीर की लास्ट उन्होंने कहा किसी बंदे ने उठ के कहा कह दिया कि हमारी मर्जी जिसको वोट दे बंदे की अपनी मर्जी उसने आगे से कह दिया कि कुत्तो ये लफ्ज एमएनए बरवाना साहब ने बोला नवाज शरीफ की पार्टी ने कुत्तो हमारी डील होगी है मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा तो आवाम ने बोला कि इसका घिराव करो पकड़ लिया और उस बंदों को वो ना हरे रंग के पैप थे जो गैस में डाले जाते हैं उसके साथ मार पीट हुई उन्होंने कहा कि ये है बात याद रखो उसको उन्होंने धर लिया लेकिन बात खत्म नहीं बात खत्म नहीं हुई अब उन्होंने कहा कि जहां जहां भी आप जाओगे ना आपके लीडर जाएंगे इस पार्टी के आपको ऐसा ही मिलेगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन की कंपेन से रोक दिया गया है चलो छोड़ दे भाई पूरा मुल्क में रोक दिया गया वो कंपेन नहीं करते को छोड़ दे भाई बाकी बात ये क्योंकि वो पार्टी ही नहीं है हमारा जो कल्चर है ना वो कैसे जिंदा रहेगा जैसे जिंदा रह गया जैसे नवाज शरीफ का है तो नवाज शरीफ जैसे लीडर जिंदा रखे ऐसा जिंदा चलो हर रोज तो खुशियां मनाई नहीं जाती कभी कभी पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पर हर रोज रोना ही लगा रहता है कभी थोड़ा बहुत तो रोना डाला किन्होंने इन्होंने इधारों में तो डाला हुआ थोड़ा सा ये बड़े जो इधारों में संग्राम करते हैं इन्होंने डाला बैठ जा बात कर लेने दे चुप्पी रखने होते हैं अच्छा भी बात कर ले तू कर ले अब बात करने नहीं देता है बीच में कूद जाता है तो भाई साहब ये थोड़ा पहले रोना डला हुआ है खुशी का मौका थोड़ा सा मिलता है अगर कोई बेचारी लड़कियां खुशी मना ले तो इनके पेट में दर्द हो जाती है
वो पिछले दिनों एक वीडियो हुई थी ना वायरल, जिसमें एक वो मौलाना साहब ने वो एक प्रोफेसर को पकड़ लिया कि आप लड़कियों को जो पढ़ाते हो ये गलत है। पाकिस्तानी कौम जो है ना ये कंफ्यूज कौम है भाई, किस लिए कि हमारा जो है वो कल्चर, क्या कल्चर किसका होता भाई, खित्ते का। अब इंडिया में चले जाए पाकिस्तान में, चलो पाकिस्तान की बात करते हैं, कल्चर एक ही है, कल्चर नहीं नहीं भाई, सिंध का कल्चर अलग है, अलग अलग है सभी का, पंजाब का अलग कल्चर है, और इसी तरह बलूचिस्तान है, चित्राल है, सबका कल्चर अलग अलग, अपना अपना कल्चर है, खित्ते का कल्चर है। अब ये कंफ्यूज इसलिए है कि भाई हम इस्लाम को लेकर चलें या अपने खित्ते के कल्चर को लेकर चलें, ये खुद कंफ्यूज नहीं तो क्यों, जो अगर खित्ते में जो कल्चर चल रहा है अब वो इस्लाम को नहीं लेके चल सकते। अब ये जो है ना कंफ्यूज है भाई, सब इस्लाम इससे मना करता है, ये उस वक्त अच्छा जब ये इस तरह की चीजें आती ना तो उस वक्त इस्लाम को याद आ जाता है, जब इनकी बेटियां अमेरिका में जाकर खुद नाच रही सियासत डालो की हमें उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो क्या डांस कर रही है, तंग कपड़े पहन के अमेरिका में इंग्लैंड में डांस कर रही है, किसी मिनिस्टर जो अभी भी मिनिस्टर उतरा है अपनी मिनिस्ट्री थी उसकी बेटी का डांस टिकटॉक यूट्यूब पे भी चढ़ा हुआ है। अच्छा वो वजीरे दाखला थे उसके चले हुए, वो कल्चर क्या है, उनके ख्वाब को इजाजत हो गई। अच्छा, अगर कोई बच्ची किसी इवेंट में काला स्कूल यूनिवर्सिटी में एक साल के बाद ये इवेंट आता है वो कर लेते हैं, आपको बहुत गलत, जो 14 अगस्त को आपने डांस किया पीडीएफ के सरबरा ने खुद डांस करवाए नंगे खुशी पे 14 अगस्त पे, वो क्या था, नंगा डांस का मतलब सर से नंगा, मैं वो मुकम्मल कपड़े उतारने वाला नंगा नहीं कह रहा, बैठ जा इतनी बैठ जा, शहबाज शरीफ से कम नहीं है, काम नहीं है वो, क्या शहबाज शरीफ को जेब देता है वो डांस करवाना 14 अगस्त, क्या वो 14 अगस्त इस तरह बनवा रही खुशी का, अच्छा इमरान खान को जेब देता है वो इस तरह बनवा रही थी, इमरान खान वो क्या इमरान खान डांस करवाता है, तो फिर क्या किसी को बोला डांस करो, अच्छा नहीं करती आज तक किसी जलसे तकरीर में, वो इमरान खान ने कहा कि जलसा करो, ये कि जलसा तकरीर जवान के डांस करना चाहिए, और डांस पे ये बात आई है ना, तुमने बोला सर नंगा करके जी पीटीआई के जलसे में, अगर सर नंगा करके मैं डांस दिखा, वो खुद अपनी मर्जी से जाती है, इसको करवाया गया, ये नाचने वाली ले के आए 14 अगस्त को शहबाज शरीफ खुद, अच्छा वजीर आजम नाचने डांसर को लेके आए, तो वो अपनी मर्जी से डांस, वो डांसर को पैसे दिए गए हैं, जलसे में किसी को पैसे नहीं दिए जाते, मेरी बात अपनी मर्जी से, मैं क्यों नहीं जाता तू क्यों नहीं जाता, अच्छा भाई बात तो सुन ले, अब बात है डांस चाहे पैसे लेकर करो चाहे फ्री में करो, डांस एक खुशी की मर्जी होती है, अपनी मर्जी से जो मर्जी करो, एक होता है जो जबरदस्ती करवाया जाता है, आपको पैसे देने आओ करो डांस, उसको जबरदस्ती वो पैसे मिल रहे, उसका पैसे मिल रहे हैं, कैसी 14 अगस्त की खुशी मनाई जा रही है, 14 अगस्त 1947 जी पाकिस्तान आजाद हुआ है, आजाद होने पे किया जी प्राइम मिनिस्टर साहब औरतों को किराए पे लाके डांस करवा रहे हैं, सबूत है तेरे पास, सबूत वीडियो है, 14 अगस्त पर लेकर उसको पैसे दिए अपने जहाज में लेकर, 14 अगस्त अपने जहाज में कौन प्राइम मिनिस्टर लेके आता है, कौन प्राइम मिनिस्टर अपने जहाज में लेके आता है, एक छोटी सी बात, हाँ तू ही मिनिस्टर डॉक्टर है, दिमाग का डॉक्टर तो तू बैठा है, एक डांसर है उसका काम है डांस करना, उसको पैसे उसका घर चलता है उसका काम, तो क्यों शहबाज शरीफ अलहदा भी तो कोई वक्त आ सकता है ना, कोई शादी अगर हो तो फिर तरह का बात ऐसा होता है, अपने हाउस में क्यों करवा रहे हैं, मर्जी करवाए, अच्छा मामा तू भी उल्लू तो वो भी उल्लू, अच्छा अब ये अब इसका दिमाग देख लो, बिल्कुल इसका ये डॉक्टर है पाकिस्तान का सबसे अच्छा दिमाग का डॉक्टर है, अच्छा मेरे पास एक सवाल है यकूब भाई, बात करते हैं, इमरान खान ने जो बोला ना औरतों की जो इज्जत लूटी जा तंग कपड़ों की वजह से लूटी जा रही है, उसका मतलब समझो, उसने कहा कि जो तंग कपड़े पाए जाते हैं ना वो बंदों की नजर ज्यादा उधर रहती है, फिर क्योंकि हर इंसान क्या कोई अच्छा इंसान होता है तो बुरा होता है, हर कोई बुरा भी हर कोई अच्छा भी नहीं, तंग कपड़ों की उसका मतलब है तंग कपड़े ज्यादा औरतों को नहीं पहनने चाहिए, ज्यादा इज्जत लूटी जाती है, इमरान खान के जलसे में जो लड़कियां आती हैं उनके क्या खुले खुले कपड़े होते हैं, उन्होंने बुर्का पहना होता है, क्या इमरान खान ने किसी को देख लिया, किसी ने जलसे में बोल इमरान खान ने कहा हो कि आते आओ डांस करो, उसने कौन सी वीडियो बनाई है, अलग जगह बनाई है, किसी ने
इमरान खान की हर जलसे में रहता हूँ अलग जगह होती है, जगह अलग होती है। एक पाकिस्तान क्रिकेट खान का 18 के इलेक्शन से लेके अब तक एक भी जलसा दिखाओ जब आराम को अलग जगह ना दी गई हो, मतलब अलग दी गई हो। जब रैली निकालता है सड़क के एक किनारे एक साइड पर मर्द होते हैं, रैली जब रैली होती है उस वक्त सारी वाम इकट्ठी निकल जाती है, उस वक्त इकट्ठी निकल जाती है। क्या इज्जत इमरान खान ने औरतों को, क्या इंडिया में जब राहुल गांधी निकले लेके क्या वो औरतें मर्द नहीं निकले हुए यार, उनका शोर तो क्या था मुक्ति लेके एक बार सियासतदान नहीं मैं सियासतदान की बात कर रहा हूं, इंडिया कोई इंडिया में बड़ी बात होती है, बड़े बड़े एंकर बात करते होंगे भाई के मीडिया पे प्राइम मिनिस्टर, मैं लाखों वीडियो तुझे इंडिया की दिखा सकता हूँ औरत के ऊपर, लाखों वीडियो दिखा सकता हूँ जो इनके मिनिस्टर साबका जो मौजूदा बोल रहे हैं, मैं तुझे दिखाता हूँ लगा शरद मेरे साथ, मैं तुझे इंडिया की वीडियो औरतों के ऊपर बोलते हुए मैं दिखा सकता हूँ, मैं ये भी दिखा सकता हूँ मणिपुर के अंदर जो कुछ हुआ वो क्या था, वो जो नंगे डांस था वो क्या था, वो शर्म करो कुछ हया करो, वो प्राइम मिनिस्टर हया करो, वो गवर्नमेंट नहीं थी मणिपुर में, किसकी हुकूमत थी मणिपुर में, वो जो भाई साहब बातें तू करता तू पाकिस्तान को घसीटता रहता हर वक्त थी, तू दुश्मन है पाकिस्तान का, खाता पाकिस्तान का है, तू दुश्मन पाकिस्तान का, अच्छा तू बड़ा बन जाने, अच्छा हर वक्त तू इंडिया की ट्रीट करता है, दूसरों की ट्रीट करता है, शहबाज शरीफ जरदारी की ट्रीट करता है, इमरान खान तुझे दुश्मन लगता है, अच्छा तू भी तारीफ ही करता है, नवाज तू अच्छी बात करता है, पढ़ा लिखा इंसान है, जब दुनिया उसकी कदर करती है तू उसकी तारीफ दुनिया की कदर करती है, ना तेरे मुल्क में घर में कदर है ना तेरे लीडर की कदर है, हर वक्त तू बात करता है इमरान खान के खिलाफ तू बोलता है, पढ़े लिखे जैल बंदे जो नवाज शरीफ जरदारी को लीडर मानते हैं, किसी को वो लीडर जो औरतों की बात जो नंगे डांस करवा रहे 14 अगस्त 1947 के खुशी के मौके पे डांसर को बुला के, अच्छा मरियम नवाज डांस कर रही थी नवाज शरीफ, अगर जब नवाज मरियम नवाज डांस कर रही थी वो वीडियो दिखाऊं, नवाज शरीफ की बेटी खुद की डांस कर रही है, वजीरे दाखला वजीरे दाखला क्या उसका नाम है उसकी बेटी अमेरिका में डांस करती है, राणा सनाउल्लाह फॉरेन मिनिस्टर है वजीरे दाखला अभी कर रहे चुका उसकी बेटी की खुद के डांस की वीडियो है, बात करते मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मुझे मजबूर किया गया बातें करते हैं औरतों की, कितनी औरतों को बदनाम सियासतदानों ने किया है 77 साल में किसी ने नहीं किया, बात करते हैं भाई बात है। अच्छा के अगर नंगे सरों से औरतों की बात करते हैं बड़े नवाज शरीफ लीडर भी गैरत नंगे सरों में इमरान खान डांस करवाए तो वो जायज है, अगर नवाज शरीफ पैसे देकर करवाए तो वो गलत, इमरान खान ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप डांस के लिए आओ या इस तरह डांस करो, किसी एक तकरीर में बता अच्छा वो माँ बहन बेटी लोग बोलता है, मैं बताता हूँ उसने किसी को नहीं बोला, इमरान खान के जलसे में ना भाई साहब कई लोगों के घर बसे हैं, तेरे गांव से लेके पूरे मुल्क में मुझे मजबूर किया जा रहा है, तेरे घर इसी घर पास फैसलाबाद गांव से लेके पूरे मुल्क में जो हो रहा है वो कौन करवा रहा है, वो बुराई कौन फैला रहा है मुझे बता, जो मुद्रिसों में हो रहा है बच्चियों बच्चों के साथ वो गौर करवा रहा है, पता मुझे वो गौर करवा रहा है, कल भी पाकिस्तान की घटिया वीडियो मुद्रिस्ते से आई है, ये वीडियो पाकिस्तान के हर चैनल पर चल रही है मुद्रिस्ते की वीडियो, यार एक मिनट बात करता है तू मेरे काम की बात करोगे तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा, पूरे पाकिस्तान का पर्दाफाश करूंगा, मैं पहले हमें बोल रहा था पाकिस्तान का तुम खराब बोलते हो इंडिया की तुम तारीफ करते हो, अब तुम क्या कर रहे हो, मैं कह रहा हूं तुझे जवाब दे रहा हूं जो तू बात कर रहा है धरने की बड़ा पाकिस्तान का कर रहा है दूसरों का बोल धरने की बात तू कर रहा है, पूरे मुल्क में तो बुराई हो तो मार के करवा रहा है, जो धरनों में होता है सारे मुल्क की बुराई मार करके खाते डाल देते हो, जिसको बोलना नहीं आता इमरान खान का कसूर है, जो चोरी करे इमरान खान का कसूर, डाकू बढ़ जाए इमरान खान का कसूर है,
कभी दीन का पता नहीं, दुनिया का पता नहीं, तजारत इमरान खान ने बंद कर दी, आपने कब की है? कब की इमरान खान ने बंद तजारत? किस कंट्री ने तजारत की? सारी बात छोड़ दे, एक बार का सवाल, अगर तजारत होती तेरा मुल्क तरक्की ने कर लेता। तीन बार ये बंदा वजीर आजम बना, क्या मुल्क का खुशहाली थी? बकवास किसने बनाया? तुझे पता असलियत पर? इस बघारत के बच्चे ने कहा कि सिर्फ नाम लिया कि मेरी हुकूमत में बनाए, तो और क्या होता है? ये बंदा बनाने बनवाने वाला नहीं है, झूठ ना बोल इधर बैठ के मेरे भाई, झूठ ना बोल। इसके दौर में हुआ ये यार, बात कर मामा, झूठ ना बोल, इसने बनवाया ही नहीं। अच्छा मेरी बात, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। अच्छा जो ये नवाज शरीफ ने बोला है, सही बोला है या गलत बोला है? गलत ही बोला है। क्यों बोला है? साथ उसकी बेटी बैठी हुई है तो बातें कौन सी कर रहा है, किस तरह के लहजे में कर रहा है? अच्छा लेकिन जो इस तरफ निकल गया है कि नवाज शरीफ, एक मिनट मौजूद, आज तो बात करने लड़ना नहीं। अच्छा आप बात करें तो वो ठीक है, नवाज शरीफ करे तो ठीक है। अच्छा भाई अगर मैं करूं तो वो गलत हो जाती, इमरान का लफ्ज बोले तो गलत हो जाता है। बोल ले भाई, क्या बात है जी, के बड़ा लोग के कह रहा है जी नवाज शरीफ ने 14 अगस्त पे लड़कियां मंगा के सुभाष शरीफ ने डांस करवाया, तो उसमें गलत क्या है? ओ यार तू मतलब समझ, 14 अगस्त 1947 तेरी खुशी का दिन तू मनाता है, खुशी का दिन डांस ऊपर यार, एक डांसर लड़की को क्यों बुलाते हैं? बहुत की हो जाए आप डांस करो, क्यों बुलाते हैं? खुशी में तो यो इस तरह मना रही थी आपने, इंडिया में भी खुशी मनाई थी, क्या वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा काम किया? ओ भाई कुछ किया काम ऐसा मोदी साहब ने? मामा वो एक अलग खुशी होती है, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का इस तरह कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता। इमरान का जलते में नंगी लड़कियां वो सर नंगे करके कागज को किसी को बोल रहा है करो, अगर किसी को दावत दी भी डांस करो, अगर वो पैसे हलाल हो जाता है वो तो पैसे नहीं ना नहीं देता। अच्छा एक मिनट, कभी किसी जलसे में तारक पैसा दे के नहीं बुलाया, बिरयानी दे के नहीं बुलाया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। किसी औरत को ये नहीं तारक बोला गया, मेरी बात एक छोटे कि आप आओ और डांस करो, वो तो गाना लगा होता पीटीआई का। छोटे से सवाल का जवाब कर लेते हैं, तुम्हें एक छोटे से सवाल ऐसे दे के नहीं लगता, एक छोटे से सवाल का जवाब दे। एक बंदा जी वो फ्री डांस करवा रहे वो गलत है, ये पैसे दे के अगर एक बंदा डांस कर रहा है तो साफ तौर उसका जोर लगता है, कुछ होता है ना, कला है, कला है, वो पैसे कमाता है, अगर कुछ पैसे ले रहा है तो उसमें शहबाज शरीफ का क्या, वो तो उसको हक दे रहा है उसका, उसने डांस किया उसने खुशी में उसको उसके परे बात कर चला रहा है, उसका मौका हक दिया, उसका चूल्हा जलेगा वो परेश इमरान का बंदा सारा दिन लड़कियों का खड़ा करके छह वो 3 महीने खड़ा करके डांस करवाता रहा, डांस करवाता रहा, क्या वो सही है भाई? उसने बोला कि डांस करो, साबित करो दोनों, रोक सकता था ना, रोक सकता था शहबाज शरीफ की तरह, अगर रोका नहीं तो इसका मतलब है उसने इजाजत दी है, अगर रोका इमरान खान ने ये भी बोला दी है, इमरान खान ने ये बोला कि जो मेरी माए बहन है वो अलग बैठे उनके लिए कुर्सियां और मर्दों को ले जाओ, जब आप आना बोले कि जो मेरी माए बहन अगर जलसे में हाथ लाना चाहती है वो एक अलग गल है, रास्ता इख्तियार करे, मर्द उनके बीच में ना जाए, ये कितनी बार लोग बोला है, औरतों में मर्द ने जाए मर्दों में औरतें ना जाए, इससे क्या होगा? और कुर्सियां अलहदा लगी होती है औरतों की, मर्दों की अलहदा लगी होती है। किसी और हुक्मरान ने बोला है, किसी और लीडर ने बोला है मेरी माए बहनें भी जल्द से में आना चाहती हैं, ये सिर्फ इन माओ बहनों से फायदा उठाता है, इसी वजह से बोलते हैं। तू तो जिस लिबास की बात की इमरान खान ने, तू गलत ले गया, इतना बोला है पहन कर आई थी, इसका मतलब बिल्कुल पूरा भला कोई भी नहीं कल्चर जो है ना हमारा, उसको जिंदा रहना चाहिए किसी ना किसी तरीके। बात कल्चर की हो रही है, आप चले जाते हो इमरान खान के बीच में शुरू कर देते हो, आपका मुद्दा इमरान खान से शुरू होता है, इमरान खान के खत्म हो जाता है, जैसे आपको उसने मारा हुआ जैसे। ठीक है भाई इमरान का सादक मीना, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा इंसान है, इन सभी लीडरों पाकिस्तानी लीडरों से वो अच्छा है। अच्छा भाई साहब उस जैसा कुछ आज नहीं मुझे दिखाया, कह रहा इमरान का लड़कियों की इज्जत करता है, जिस तरह वो मरियम नवाज को बोलता है उस तरह एक बंदा 70 यकीन, और आज कर मरियम नवाज को गद्दी लफ्ज से नहीं बोला,
एक तकरीर करे लव की बात। अच्छा मरियम बीबी लव बोलता है, मरियम बीबी उसने बोला एक दफा ना, वो अक्सर मरियम इमरान खान इमरान का बोलते है, कहता है जरा आस्था बोलो तुम्हारा हस्बैंड सुन लेगा। अब इसका अच्छा इस मैं तू चुप कर जा, तू बड़ा गुजार बता दे। जब ये उसने कहा उसने सुन ले, सुन ले इमरान का बोलते हो तुम्हारा हस्बैंड सुन ले, अब लव सुन ले, बात तो समझा भी कर धनक लग गया था, तू भी शर्म कर। उसने बोला था मरियम मेरा नाम, तू कितनी बार 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 तकरीर हर में लेती है, तेरी शादी हुई हुई है, तेरे शौहर मुजाहिदा फामी है, साथ आए वहाँ घर भी है, तेरा खामद भी है, मेरा नाम बार बार तू ना लो उसको बुरा लगेगा। नहीं क्यों, एक तेरी बीवी है वो बार बार मेरा अगर नाम ले हर वक्त मेरा नाम तेरे सामने लेगा अच्छा लगेगा तुझे, अच्छा लगेगा मुझे अच्छा लगेगा, अभी भी अच्छा नहीं लगेगा, लीडर है वो अच्छा नहीं लगेगा। उसने यही कहा मरियम बीबी आप मेरा नाम क्यों तकरीर में लेते हो, देख लो इसकी मेरा नाम ना लिया करो। क्या कहने का मतलब ये है कि मेरे कौन है उसको तू भाई साहब छुपा के रख रहा है ना भी प्यार। आप मुझे खुल के बोलने पे मजबूर ना करो, मरियम के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, वो मुल्क की लीडर है, मैं इज्जत करता हूँ, एक औरत है मुझे मजबूर ना कर, मैं यहाँ उसे नंगा ना कर, तू मुझे ना मजबूरा कान नंगा कर, मुझे मजबूर ना कर, मरियम के बारे में एक एक तस्वीर दिखाना शुरू कर, इस मोबाइल के ऊपर मैं एक एक दिखाना शुरू कर दूंगा, मुझे मजबूर ना करो, मैं जानता हूँ सभी कुछ। चलो जी ठीक है भाई अपनी इमरान खान को घसीटो।